तो बारिश खत्म होने के बाद में अब आप अपने एडेनियम में फूलों के लिए इसके अंदर पोटाश की फर्टिलाइजर दें, और पोटाश के अलावा 0-52-34 NPK 0-52-34 का फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। और क्योंकि अब फूलों का टाइम आ रहा है। हेलो गाइज एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल सेवन। द मुगल सेवन में आप लोगों का स्वागत है, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अगस्त की 16 तारीख है आज, तो लगभग अगस्त का आधा महीना निकल चुका है, और अब एडेनियम की फ्लावरिंग का टाइम आ गया है साथियों। अब इसके अंदर आप डाल सकते हैं पोटाशियम के जितने भी फर्टिलाइजर हैं वो डाल सकते हैं आप, यानी जिस फर्टिलाइजर में पोटाश अधिक हो वो फर्टिलाइजर आप डाल सकते हैं। जो फर्टिलाइजर पोटाश के इसके इस टाइम पे पड़ेंगे तो फौरन 8-10 दिन के अंदर कलियां आ जाएंगी, क्योंकि बारिश जो है वो अब बहुत कम हो जाएगी, यानी बाई चांस पड़ा करेगी बारिश। और वैसे तो हमारे यहाँ लगभग 8 दिन से लगातार बारिश पड़ रही थी, लेकिन कल से कुछ बारिश हल्की पड़ी है, और कल से एडेनियम के ये देखिए पॉट भी, इतनी तेज़ धूप थी कि सारे पॉट जो थे वो सूख गए हैं। देखिए बस कोई कोई पॉट गीला रह गया है, ये देखिए ये भी गीला है। और ऐसे में आपके एडेनियम के कोटेज काफ़ी मोटे हुए हैं। ये हम असल में पत्ते निकाल रहे थे, ये काफ़ी लेगी हो गई थी ब्रांचेज, ये देखिए इस तरीके की, तो इनके हम पत्ते निकाल रहे थे। कुछ प्लांटों के मैंने 1-2 दिन पहले निकाल दिए थे, और कुछ प्लांटों के आज निकाल रहे थे, तो ये देखिए काफ़ी पत्ते निकाल दिए हैं कुछ, और हमने उसमें अपने कंटेनर में डाल दिए। और ऐसे में जो कोटेस हैं एडेनियम के आपके काफ़ी मोटे हुए हैं, क्योंकि 8 दिन लगातार बारिश हुई है, और हमारी तो काफ़ी अच्छी वर्ल्डन मीडिया है, और उससे इसमें ड्रेनेज होल से पानी निकलता रहा इसका, लेकिन इसके कोटेज जो थे वो काफ़ी हेल्दी हुए हैं आपके। और एक प्लांट का देखिए, इस प्लांट का तो ये हाल हुआ है कि इसके रूट इतने ज़्यादा मोटे हुए हैं कि इसने ये सॉइल बाहर निकाल दिया सारी, यानी अंदर के जो रूट मोटे हो गए हैं उसकी वजह से ये सॉइल बाहर आ गई है। देखिए ये पॉट से बाहर ऊपर को निकली आई है, तो ये कितना मोटा इसका कोटेज हुआ जाके, और एकदम से ग्रीन है ये, अंदर से ग्रीन ग्रीन दिखने लगता है, फटने लगता है, तो ये इसकी पहचान होती है कि एडेनियम का कोटेज काफ़ी मोटा हुआ है। और ये तो काफ़ी छोटा एडेनियम था, लेकिन अब की बरसात में ये ऐसे खुला रखा रहा, ये पूरी बरसात में इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं ठहरा, और इतना जल्दी से मोटा हुआ है कि इसका कोटेज का जवाब ही नहीं रहा, और इसकी ऊपर की ब्रांचें भी ज़्यादा लेगी नहीं हुई हैं। बहुत ही अच्छा एडेनियम की देखिए आप, इतनी मोटी ब्रांचें होनी चाहिए ये, तो ये ब्रांचें झुकती नहीं हैं, और एडेनियम को अच्छी ताकत इसको मिली है, इसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, तो इस वजह से इसकी ब्रांचें ना तो लेगी हुई हैं और ना ही ज़्यादा दूर दूर इसके पत्ते निकले हैं, तो एकदम से खड़ा है एडेनियम, और इसके ब्रांच बिल्कुल ब्रांचों फर्क नहीं पड़ा है। अब इसके अंदर अगर हम पोटाश के खाद डालेंगे, यानी अब हम डालने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि अब बारिश का टाइम निकल गया है और अब फ्लावरिंग का टाइम आ गया है, तो फर्टिलाइज़र डालने के भी 8-10 दिन ले लेगा कलियां आने में, तो कलियां आने के असल में इसलिए नहीं डालते हैं बरसात में पोटाश कि इसके अंदर कलियां आ जाएंगी, और कलियां जब आ जाएंगी इसके अंदर तो वो बारिश का पानी उनके ऊपर पड़ेगा, और वो कलियां जो हैं वो काली होकर गिर जाएंगी सारी, तो ज़्यादातर कलियां गिर जाती हैं अगर बारिश का पानी उन पर पड़ता रहता है, और हमारी खुली छत है तो खुली बारिश पड़ती है इसके ऊपर, और खुली धूप भी खुली लगती है, तो ये देखिए कल ही कल बारिश रुकी है, और कल भी हल्की सी पड़ी थी, 2 बार पड़ी लेकिन बहुत हल्की हल्की पड़ी। और ये पोटेश देखिए बिल्कुल इसके गमले जो हैं वो सूख गए हैं, और इस वजह से अब हम इसके अंदर आज और नहीं 2 दिन तक अब इसके अंदर हम पानी भी नहीं देंगे, क्योंकि नीचे तक का अच्छी सॉइल सूख जाए, फिर उसके अंदर हम पोटाशियम की खाद और पानी के साथ देंगे इसको। तो साथियों इस तरीके से अभी हम कुछ प्लांटों के और निकालेंगे पत्ते, ये देखिए काफ़ी पत्ते निकाल दिए हैं, और काफ़ी पत्ते और निकालने हैं अभी, ये देखिए कितने घने घने हो रहे हैं, तो इन ऐसी ब्रांचों के हम पत्ते निकाल देंगे। ये देखिए इसके अंदर भी काफ़ी घने हो रहे हैं पत्ते, ये काफ़ी घने पत्ते हो रहे हैं, तो थोड़े इसके भी हल्के कर देंगे,
और ये नीला केन के तो पत्ते नहीं निकाले जाते हैं, इसकी पत्तों की ही खूबसूरती है। थोड़े बहुत इसकी ब्रांचेज झुक रही हैं इधर उधर, तो वो उनको हम कुछ करके वायरिंग करके या कुछ करके बांध के उनको सीधा कर लेंगे। इसके असल में ये जब तक इसके ऊपर पानी पड़ता रहा बारिश का, तब तक तो ये बिल्कुल सीधे रहे, और जैसे ही इसके अंदर धूप लगी तो ये हल्के से नीचे के गिरने लगे हैं। देखिए गमला सूखा पड़ा है, ये भी पानी मांगने लगा है असल में, क्योंकि लीफ ज़्यादा हैं और जब लीफ ज़्यादा होते हैं तो पॉट का पानी जल्दी सूख जाता है, ये वजह होती है। और काफ़ी कॉटेज मोटे हुए हैं, देखिए कितने हेल्दी कॉटेज इसके हो गए हैं, ये देखिए। और इसका तो जवाब ही नहीं है, काफ़ी तगड़ा कॉटेज इसका हुआ है। और ये वैसे भी काफ़ी पुराना हमारा डेनियम है, तो इस वजह से इसके कॉटेज तो पहले से ही मोटा था, लेकिन इस बरसात के अंदर काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और ये साथियों, ये हमने जो ये हमारे वेरीगेटेड जो अडेनियम है, तो इनको भी साथियों हमने धूप में रख दिया है। एक दिन की हमने इनको हल्की सी बारिश दी थी, और उसके बाद में हल्की सी बस, ज़्यादा ज़्यादा हमने 10 मिनट इसको बारिश में रखा था, और उसके बाद में फिर हमने इसको शेड में रख दिया था। आज धूप निकली है तो अब हमने इनको धूप के अंदर रख दिया है, क्योंकि ये सही सर्वाइव कर रहे हैं, इनके पत्ते वगैरह बिल्कुल नहीं मुड़े हैं और बिल्कुल सही नए लीव्स भी निकलने लगे हैं। तो इस बेस पे अब हमने इनको करीब रिपोर्ट करे हुए 10-11 दिन हो गए हैं, तो अब ये बिल्कुल सही हैं और अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर दी है इन्होंने। तो इस तरीके से हर चीज़ की, अब ये देखिए एडेनियम की, ये यहाँ से एडेनियम सूख गया था बिल्कुल, और सूख गया था तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही होके, और ये यहाँ ये कॉटेज भी काफ़ी यहाँ पर मोटा हो रहा है, यानी ये असल में रूट है ये, और रूट काफ़ी मोटी हो गई है, ये देखिए इस तरीके से। और काफ़ी एडेनियम इस तरीके के देखिए, कुछ झुका के अभी भी रखे हुए हैं, तो अभी गीला है इसलिए और झुका के रख दिया मैंने, कोई बात नहीं है। बादल तो अब भी हैं, बारिश किसी टाइम पर भी हो सकती है, लेकिन हमने अभी सेफ्टी रखनी है इसकी। आज धूप पड़ के हमारे गमले सारे सूख चुके हैं, अब अगर बारिश पड़ जाती है तो कोई बात नहीं है, इस टाइम की बारिश जो है गमले सूखने के बाद में कितनी तगड़ी बारिश पड़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एडेनियम को, और बल्कि फ़ायदा होगा। अब ये देखिए एडेनियम की ये ब्रांच काफ़ी लंबी हो गई थी, बहुत लंबी ब्रांच हो गई थी, और ये ग्राफ्टेड एडेनियम है हमारा, काफ़ी हेल्दी पुराना एडेनियम है, तो इसकी एक ब्रांच काफ़ी लंबी हो गई है। इन ब्रांचों भी से भी कम से कम 6-7 इंच ऊपर निकल गई थी, तो वो झुकने लगी थी भारी, हालांकि ब्रांच काफ़ी मोटी थी, ये देखिए काफ़ी मोटी ब्रांच थी, लेकिन हमने इसको निकाल दिया और इसको इनके बराबर हो जाएगा। अब इसके अंदर कम से कम फुटाव लेने में 10-11 दिन ले लेंगे, दूसरा नया फुटाव निकल जाएगा, तो इस वजह से हमने इस ब्रांच को निकाल दिया है। बाकी ब्रांचें बिल्कुल इसकी सही हैं, और इसमें ज़्यादा लीफ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर ब्रांच में एक दो ब्रांच के निकाल देंगे, बाकी का ऐसे ही रहने देंगे। और कुछ प्लांटों के अंदर हमने आज फर्टिलाइज़र भी दिया है। ये साथियों मेरे ग्राफ्टेड जो बेबी एडेनियम हैं, इनके अंदर ये ग्राफ्टेड हैं सारे, ये 4-5 हैं, तो इनके अंदर हमने आज फर्टिलाइज़र दिया है NPK 052-34, क्योंकि ये अभी छोटे हैं और फर्टिलाइज़र जो है कम से कम 8-10 दिन ले लेगा अपना असर दिखाने में, और 8-10 दिन के अंदर इसके बाद में इनके अंदर वर्ड्स आ जाएंगे। तो पहले मैंने यहाँ से ट्राई करी है कि ये इन 4 प्लांटों के अंदर हमने 052-34 डाली है, अब इसका रिज़ल्ट जो है वो मेरे सामने आ जाएगा, और उसके बाद में हम सारे एडेनियम में एक साथ फर्टिलाइज़र दे देंगे 052-34। और वैसे तो पोटाश भी है हमारे पास, हम पोटाश को भी डाल सकते हैं, और कुछ प्लांटों में पोटाश भी डालेंगे और कुछ में 052-34 डालेंगे। तो जो अच्छे प्लांट हैं हमारे, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और इसके फूल भी बहुत ही अच्छे हैं, और ये बेबी एडेनियम भी एक यहाँ रखा हुआ है। ये 5 प्लांट हैं टोटल, जो अभी ताज़े ग्राफ्ट किए थे मैंने फरवरी में, तो इनके अंदर अभी हमने जल्दी फ्लावरिंग लेनी है, और इनके फूल भी देखने हैं कि कैसी कैसी हमने ब्रांचें इसके ऊपर ग्राफ्ट करी हैं, और इस प्लांट के अंदर भी डालना है, यानी इसको एक सबके एक साथ में डालेंगे हम। तो कुछ प्लांटों के अंदर देखिए, इसके अंदर जैसे ये प्लांट है और ये प्लांट है, इस तरीके के 8-10 प्लांट हैं जो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, तो उनके अंदर तो हम NPK 052-34 डालेंगे, और बाकी जो देसी एडेनियम हैं या बेबी एडेनियम हैं उनके अंदर सब के अंदर पोटाश डाल देंगे। तो इस तरीके से हम 8 दिन के अंदर सारी गमलों के अंदर हम अपने पोटाश डालेंगे, क्योंकि अभी तो बरसात
की वजह से नहीं डाल रहे हैं, अभी एक दो बारिश पड़ सकती है क्योंकि बादल मुस्तकिल बने हुए हैं। ये देखिए मेरी रेन लिली भी कितनी प्यारी खिल रही है, और मेरे पास ये देखिए तीन कलर हैं ये इस टाइम पे, वैसे तो चार कलर हैं, एक और है पर्पल में है, बड़े साइज का काफ़ी फूल आता है, और ये वाइट कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये पिंक भी बहुत ही प्यारा है, ये पिंक भी है और पीले ज़्यादा कुछ खिले हुए हैं, तो ये पीले भी बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके अंदर। ये देखिए बहुत ही प्यारे रेन लिली खिल रही है, असल में हमारे यहाँ कुछ लेट खिली है, वैसे तो लोगों के यहाँ काफ़ी दिन से रेन लिली खिल रही है लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी लेट खिली है। ये देखिए, और इसके अंदर असल में हमने कोई ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, इसको पोटाशियम का कोई फर्टिलाइज़र दे देते या इसके ऊपर से हम कोयले की जली हुई जो राख होती है वो भी डाल सकते थे, तो अगर ये दो किस्म के फर्टिलाइज़र जो लोग डाल देते हैं तो उनके यहाँ ज़रा जल्दी फ्लावरिंग आ जाती है, तो ये वजह होती है, हमने ऐसा कुछ करा नहीं है। अब इसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी ये राख डाल दें या थोड़ी सी पोटाश पानी में घोल के और वो पानी इसके अंदर दे देते हैं तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगी। और ये देखिए मेरे पास कितनी प्यारी खिल रही है हमारी ये नोनिया यानी नैनोक्लॉक, बहुत ही प्यारी ये भी खिल रही है, तो इस टाइम पे इसकी बड़ी काफ़ी रौनक है हमारे यहाँ फूलों की। अडेनियम भी अब शुरू होने वाले हैं और अडेनियम के अंदर जो अब हम फर्टिलाइज़र देंगे तो मुश्किल से ज़्यादा 8-10 दिन लगेंगे इसके अंदर, सब में वर्ष भर जाएंगे आके ये, और एकदम से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, यानी अगले महीने में अडेनियम के फूल भरे पड़े होंगे पूरे प्लांटों में, और उस महीने में इससे अगले महीने के अंदर काफ़ी काम होगा गार्डन में, क्योंकि पिटुनिया वगैरह और सीजनेबल प्लांट आ जाएंगे, डहलिया पिटुनिया इस तरीके के आ जाएंगे, तो उनकी रिपोर्टिंग वगैरह के लिए काफ़ी वक्त निकालना पड़ेगा, तो उस पीरियड में एडेनियम को ज़्यादा केयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम ही नहीं इतना मिल पाएगा, बस इसके अंदर जो हम 0-52-34 या पोटाश कुछ प्लांटों में देके और इनको छोड़ देंगे कुछ दिन के लिए, तो बस ये फूल आते रहेंगे, बस खाली इसके अंदर जब भी सूखेंगे तो पानी देंगे, क्योंकि फ्लावरिंग जब प्लांट के अंदर होती है तो पोट सूखना नहीं चाहिए, नहीं तो फूल जो हैं वो गिर जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं और जल्दी सूख जाते हैं, तो जब इस टाइम पे एडेनियम के अंदर फ्लावरिंग आ रही हो उस टाइम पे आप इसको हल्की सी नमी बना के रखें और पानी देते रहें ताकि फूल ज़्यादा दिन तक रुके, और इस टाइम की फ्लावरिंग भी का भी जवाब नहीं होता है, बड़े चटक कलर होते हैं, बहुत अच्छे कलर होते हैं एडेनियम के, और काफ़ी दिन तक इस टाइम की फ्लावरिंग रुकती है, यानी फरवरी की फ्लावरिंग तो ज़्यादा 2-3 दिन, और इसकी फ्लावरिंग जो है इस टाइम की फ्लावरिंग 8-10 दिन तक फूल खिला रहता है और पूरा पोट फूलों से भरा रहता है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।